वीलुकअप में हम एक क्या, यहाँ पे हमने वीलुकअप तो लगा लिया। वीलुकअप में हमने प्रॉब्लम फेस किया कि हर कॉलम में हमें ए जो 3 है 4 है जो कॉलम नंबर है लिखने पड़ते हैं। तो हमने उसके लिए एक एक सुझाव दिया कि आप रो इंसर्ट करें। रो इंसर्ट करने के बाद आप इस तरह से जो है 1 2 3 4 जो है आप लिख सकते हैं, जो भी कॉलम नंबर आपके यहाँ पे मैच करता है वो कॉलम नंबर आप यहाँ पे लिख दें और फिर उसको डल लिख के वीलुकअप में वो उसको दिखाएगा पालक पनीर में। ड्रैग कर दें। दूसरा, एक कॉलम का फॉर्मूला होता है, राकेश जी याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉलम का फॉर्मूला बताया था। कॉलम का फॉर्मूला क्या है कि अगर जिस कॉलम पे आप लगाते हैं, जिस कॉलम पे आपने लगाया तो उससे क्या होगा आपका कि उस कॉलम का नंबर देगा आपको, जिस कॉलम में आपने नंबर फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर उसके बीच में कोई रेफरेंस हम नहीं डालते हैं, अगर इसमें किसी का रेफरेंस देते हैं, इसमें इसको 3 को दे दिया तो 3 दिखाएगा। अगर आपका डेटा इसी सीक्वेंस में है जो सीक्वेंस डेटा आप लाना चाहते हैं, और आपका डेटा स्टार्टिंग से है, डेटा आपका स्टार्टिंग से मतलब जहां रिपोर्ट आप लेके आना चाहते हो उसकी जो कॉलम की हेडिंग है उसका सीक्वेंस और जो डेटा या कॉलम की हेडिंग है उसका सीक्वेंस अगर एक जैसा है, और आपका जो डेटा है कॉलम ए से स्टार्ट है, तो उस केस में क्या करेंगे हम वी लुकअप में कॉलम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू को, डेटा में गए अपने टेबल को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कॉलम नंबर के जगह पे कॉलम का फॉर्मूला लगाया। उस कॉलम के फॉर्मूले में हमने सिलेक्ट कर लिया डेट को, फिर कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब एंटर प्रेस करते हैं। क्लियर है सर? आ गया डेट का, ऑटोमेटिक डेट रीड कर लिया। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। अब अंकित जी की प्रॉब्लम है कि जो हम फ्रीज करते हैं, इसे ऊपर हमने फ्रीज किया था। अब फ्रीज का कंसेप्ट क्या है? देखिए, फ्रीज का कंसेप्ट आपको तब पता चलेगा जब आप ड्रैग करेंगे। जैसे मैंने एक ड्रैग, यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ड्रैग कर दिया, एक ड्रैग किया। अब यहाँ दिल्ली आ रहा है लेकिन गलत है ना, ये B5 को डेट के अकॉर्डिंग दे रहा है। अब जरूरी थोड़ी कि डेट के अकॉर्डिंग दिल्ली आएगा, 9 जनवरी को मैं चेंज करूं तो डेटा में आता हूं, 9 जनवरी है ना यहाँ पे, इसको मैं आज का डेट डाल देता हूं। दस दिसंबर अब देखिए, अब यहां पे दिल्ली आ रहा है, उदयपुर आना चाहिए था। तो यहां पे आप देख रहे, साफ देख रहे हैं कि इसने क्या किया, B5 से B से M चल रहा है, जबकि यहां पे क्या चल रहा है, A5 से A से L चल रहा है। तो हमें क्या है कि A5 A जो B ना बन जाए, तो मुझे इसको फ्रीज करना होगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरा फ्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा सर, ये आपका A6 नहीं होगा, A5 ही रहेगा, मतलब कि 9 नंबर को ही वो लुकअप करेगा। तो हमें A को रोकना है, आपको सिर्फ कॉलम को रोकना है, 5 को नहीं रोकना है, मतलब कि A को रोकना है, 5 को नहीं रोकना है। तो 5 का आएगा डॉलर, हमने हटा दिया। अब A से L, अब मैं चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए B से M हो गया, मैं चाहता हूँ A से L जो है वो हमारा चेंज ना हो, तो इसको मैंने फ्रीज कर दिया। तो अब मैं आगे ड्रैग कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो रहा है। देखा आपने, आगे जब हमने ड्रैग किया तो प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। पहले दिल्ली दिखा रहा था, अब नाम आ गया लीला, सही नाम आ गया, सिटी दिखा रहा था, समझे। अब यहां हमने बोले कि आपने C1 को चेंज नहीं किया। देखिए, इसका चेंज ना करने के पीछे रीजन ये है कि इसको मुझे बढ़ाना है, क्योंकि जब डेट लुकअप करें तो बी कॉलम का कॉलम नंबर दे, अगर मैं नेम करूं तो सी कॉलम नंबर दे, अगर मैं फ्रीज कर दूंगा तो फिक्स हो जाएगा ना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे सी वन को फ्रीज किया था, हमें ऐसे ही सेम प्रॉब्लम आई थी, तो हमने सी को फ्रीज नहीं किया लेकिन वन को फ्रीज किया था। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो सी वन फिक्स है, लेकिन जब आगे ड्रैग करूं तो सी जो है डीईएफ बन जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सी टू डाले, सी सेवन डाले, सी फाइव डाले, वो कॉलम नंबर टू ही आएगा, क्योंकि वो पूरे कॉलम में, पूरे कॉलम को अकॉर्डिंग कॉलम नंबर देता है। अब इसको ड्रैग कर, ड्रैग हो गया, ओके, ये डेट पेन से कन्वर्ट हो गया, नंबर देना होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया राकेश जी? हाँ, ये तीनों में मतलब ये थर्ड वाला ही बेस्ट है अगर डाटा का। अभी अभी, अभी इसको ऐसे जज मत कीजिए, अभी तो सीक्वेंस बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। ओके समझे सर, हेलो। अभी तो थर्ड कंसेप्ट बताया, फोर्थ कंसेप्ट पे आता हूँ। आज से तकरीबन 14 साल पहले एजिस नाम की कंपनी थी गुड़गांव में, मैं वहां इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था और उन्होंने बोला था कि हालांकि जॉब तो क्या नहीं किया था मैंने, उन्होंने सिलेक्ट तो कर लिया था पर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा था कि तुम अगर इस सवाल का जवाब दे देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। क्या सवाल है? उसने बोला कि सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, एक सेल पे एक फॉर्मूला लगाना है और उसी फॉर्मूला से मुझे पूरा का पूरा डेटा आना चाहिए। जैसे हमने यहां पे एक ही फॉर्मूला लगाया, तो ठीक है सर लगा के ड्रैग कर दू? नहीं, ड्रैग नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है, सिंगल फॉर्मूला, सिंगल सेल, लेकिन रिजल्ट हर फॉर्मूले का आना चाहिए, तब तो सिलेक्शन पक्का हो गया जी। तो हमने इसके लिए क्या किया, वी लुकअप लगाया और पहले मैं देख लिया कि इसका कॉलम नंबर क्या है, इसका नेम का दो है, थ्री है, फोर है, फाइव है, मैं कॉलम नंबर मैच करके पहले एक जगह पे नोट कर लिया। फिर मैं वापस गया, डेटा को सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब यहां पे आप बोलेंगे सर सिक्वेंसरी आपने लगाया? जी नहीं, मैंने अपने कॉलम के अकॉर्डिंग लगाया। अगर कोर्स अगर एफ पे ना होके नेम पे होता तो मुझे उसके लिए उसी का सिक्वेंस देना पड़ता, ठीक है, समझ गए? यहां सिक्वेंसली नहीं है, ये सिक्वेंसली नहीं देना है, ये आपको अपने कॉलम के सिक्वेंस के अकॉर्डिंग देना है, राइट? अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, ये एरे, इसको एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा और F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर, मतलब कि मैं क्या किया कि मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया जहां तक मुझे फॉर्मूला लगाना है, मैंने कॉलम नंबर को अपने हिसाब से नोट कर लिया, देन वी लुकअप हमने सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहां कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आ गया समझ में सर? आ गया सर, समझ में तो आया, बट एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो सीक्वेंस वाला बोला ना कि ऊपर आप एरे में जो 2, 3, 4, 5, 6 दे रहे हो, तभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि मतलब व्हाट टू क्रॉस चेक, कि अभी जहां पे डेटा पुल करना है वहां पे जो सीक्वेंस है, जैसे कि मान लीजिए कोर्स यहां है, हमने कोर्स को कट करके यहां रख दिया, राइट, रख दिया, तो कोर्स के लिए तीसरा नंबर देना है ना, करेक्ट, नेम के लिए चौथा नंबर देना है, करेक्ट, यहां जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, अब देखिए नेम की जगह बीवी आ गया ना सर, और कोर्स की जगह नीतू आ गया, यहाँ देखिए सिटी में नीतू आ गया, पटना एरिया में आ गया, ईस्ट यहाँ आ गया, गलत हो गया ना सर? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने हिसाब से देना होगा कि भाई नेम यहाँ पे पहले डेट पहले नंबर पे है, उसके बाद कोर्स दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कोर्स है, तो कोर्स के आगे यहाँ कोर्स जो यहाँ होगा
यहाँ थ्री हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ गया सर, समझ गया, ठीक है ठीक है। और ये आपका नेम चला गया चौथे नंबर पे, तो नेम आ जाएगा चौथा, सिटी पांचवा, ये छठा, तीसरा ये आठवा, ये नौवा, इस तरह, समझे? ठीक है सर, ओके, हिसाब रखना पड़ेगा। अब यहीं पे कंफ्यूजन होगी ना सर आपको थोड़ी सी। अगला जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल को आप कह सकते हैं कि परफेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है कि आपको सीक्वेंस नंबर को अपने हिसाब से मैच करके रखना पड़ेगा, पहला। दूसरा, किसी एक फॉर्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज होगा तो पूरा होगा, समझे? किसी एक को चेंज नहीं कर सकते, चेंज होगा तो पूरा होगा। तो अब मेरे पास जो अगला एग्जांपल है, अगला तरीका है कि मेरे पास डेटा तो है, मेरे पास डेटा है, बट डेटा वो हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब उसका जो कॉलम नेम, उसका जो हेडिंग है, कॉलम का हेडिंग है, वो कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि जैसे यहां पे हम हेडिंग चेंज किया तो यहां ऑटोमेटिकली चेंज होना जाना चाहिए, राइट? तो हमारे पास मैच का फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल वी लुकअप की तरह वर्क करता है। तो लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर ली, मैंने यहां पे डेट को सिलेक्ट कर लिया, डेटा में गए, अपना हेडिंग सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो कर लिया। तो इसने बताया कि डेट जो है दूसरे नंबर के कॉलम में, राइट? रो एंड कॉलम दोनों चलता है। अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है, तो C12 का आगे फ्रीज करेंगे, A1 से इसको F4 से फ्रीज करेंगे क्लिक करके, और फिर इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये जो कॉलम नंबर दे रहा है, जैसे कि ऊपर मैंने यहां लिखा हुआ टोटल नहीं है, कितना टोटल नहीं है, तो क्या है टोटल? टोटल स्पेलिंग मिस्टेक होगा सर, हाँ इसलिए, ठीक है। तो इसे बता दिया कि भाई एरिया, अब मान लीजिए कि कल के डेट में MRP की जगह पे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया, तो क्वांटिटी डालते हैं इसका कॉलम का नंबर चेंज हो जाएगा, हो गया सर? तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मैच का। समझ में आया मैच का फॉर्मूला? कि मतलब सर इसमें कॉलम कैसा है वो एक बार बता दोगे? मैं थोड़ा सा उसमें कॉल आ गया था बीच में, तो देखिए कॉलम ये बताता है, कॉलम का ये बताता है सीक्वेंस नंबर। इसने क्या किया, डेट को लिया, राइट? और कॉलम में इस हेडिंग में गया ढूंढने, तो पहले पे नहीं मिला इसको, दूसरे पे मिला, दूसरे पे मिला तो नंबर 2 दे देगा। अगर दूसरे ने मान लीजिए मैं अगर एरिया मैच कर रहा हूं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में मिला तो एरिया को 6 देगा, या 6। अब वी लुकअप में हम इसको कॉल कर लेते हैं। वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की, डेटा में गए, हमने टेबल एरिया सिलेक्ट किया, और यहां जो है वहां हमने सिलेक्ट कर लिया अपना, सॉरी ये इस पे दाना सीट टू में मैच वाले फॉर्मूले को एंड कॉमा जीरो, राइट? अब इस मैच फॉर्मूले को कॉपी किया और C11 का जगह पे, जो C11 का जो डेट फॉर्मूला उस पर पेस्ट कर देता हूं। अब आशीष जी, ये आपके लिए था कि दो फॉर्मूला कैसे मैच करेंगे। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने क्या किया, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसी में हमने डेटा, यहाँ पे डेटा पे गए, डेटा को सिलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप मैच का फॉर्मूला लगा दे, या फिर आपने कहीं अलग लगा रखा है उसको सिलेक्ट कर लिया, ताकि बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर सके, कर लिया। अब मैं चाहता हूं इसके साथ कॉपी पेस्ट हो जाए, तो सिलेक्ट किया मैच को और यहां इसको हमने सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, राइट? और ड्रैग कर दीजिए, डेटा आ जाएगा आपका। लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज जरूरी है, हम इसको फ्रीज करते हैं, इसको भी फ्रीज करते हैं और इसको सेलेक्ट करके राकेश जी, समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ, समझ में आया। तो इसको परफेक्ट, अभी देखिए आप बोले कोई भी परफेक्ट नहीं है कि हाँ ये अच्छा है,
रीजन है कि हर किसी का अलग अलग यूज है। अब जैसे कि पहली जो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दो चार कॉलम को लुकअप करना है, तो उसके जगह पे आप सिंपली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो मैंने मैनुअल में किया हुआ है, राइट। दूसरा ये कब करेंगे, जब मेरे पास कॉलम ज्यादा हो और सिक्वेंस सेम हो तो मैं लिख दूंगा सिंपल। इसका यूज कब करेंगे कि कॉलम ज्यादा हो लेकिन कॉलम का सिक्वेंस और डेटा, मतलब कि आप हमारे जहां डेटा लुकअप हो रहा है वहां का सीक्वेंस, जहां से लुकअप हो रहा है जो डेटाबेस है उसका सीक्वेंस मैच करता है, डेटाबेस स्टार्टिंग से है तो बाकी कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं, सिंपल से कॉलम का फॉर्मूला लगा के हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसका यूज कब करेंगे, जब मेरे पास कॉलम सीक्वेंस में नहीं है, थोड़ा सा उल्टा सीधा है और हमें फ्रीज व्रीज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एरे फॉर्मेट में लगा दें। ये जो 1 2 3 है इसको एक बार इसका कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, राइट। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट कर लें और कर्ली ब्रैकेट में एक ही बार में यहां लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 और जब एंटर मारेंगे आप तो क्या करेगा, सिक्वेंसली कॉलम है, कॉलम कॉमा कॉलम को डोनेट करता है तो कॉलम वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एरे का शाब्दिक अर्थ जिसकी हम लोगों को पढ़ाया गया था, सिक्वेंसली डिस्ट्रीब्यूट करना, सिक्वेंसली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आपका कॉलम का नेम डेटाबेस आपका चेंज हो रहा है, मतलब कॉलम बार बार चेंज होता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि कॉलम का जो हेडिंग है दोनों जगह पे एग्जैक्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी हिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है राकेश जी, आगे बढ़े। सर हेलो, बोलिए। हाँ ये मैच का फॉर्मूला मुझे मतलब अच्छे से समझ में आया, बट सवाल ये था कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जो जहाँ पे हमको पुल करना है, वहाँ पे अगर 100 एंट्रीज है, 100 रोज है, तो मैच का फॉर्मूला तो उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा कि आपका इनपुट और आपका आउटपुट का अगर कॉलम नेम भी अगर अलग अलग है, अलग अलग पोजिशन पे, अलग अलग मतलब कॉलम नंबर पे है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उससे पिक करके सिलेक्टिवली डाल देगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि फिर इसका मतलब तो एक चीज तो ऑटोमेट नहीं हो पा रही है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर मतलब ये 45 वाला जो है A13 में 45 है, उसके नीचे सब सीरियल नंबर आएंगे, तो उस हर एक जगह पे हर एक रो को एक बार तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना, मतलब देन ओनली आई कैन ड्रैग इट हॉरिजॉन्टल। आपको नहीं समझे था, जैसे यहां पे इस तरह से हाँ, सबको सेम चाहिए तो जस्ट ड्रैग कर लीजिए ना। नहीं पर सर वो तो फ्रीज करके रखा है ना हमने, मतलब जो रो थोड़ी किया ना, कॉलम फ्रीज किया है ना। ओके ओके, मैंने फ्रीज उसी हिसाब से किया हुआ है ना सर, यहाँ पे देखिए C12 का 12 फ्रीज है ना, ठीक, क्योंकि C फिक्स होना चाहिए, क्योंकि C12 हमारी फिक्स है पर कॉलम फिक्स नहीं है, अगले कॉलम में D हो सकता है, इसलिए हमने C के आगे फ्रीज नहीं लगाया हुआ है। समझे सर, मैच का इस्तेमाल करके हमने जो भी कॉलम पिक करना है, डेट कहीं भी हो, कॉलम 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, मैच के अकॉर्डिंग पिक कर लेते हैं। अभी चैलेंज ये है, फॉर एग्जांपल आपके डाटा शीट में आपने यहाँ पे कैपिटल DATE लिखा है, वहां पे लिखा है स्मॉल DATE, वो होता है सर, तो फिर कैसे करेंगे? एक्सेल के अंदर केस सेंसिटिव नहीं होता, VBA में केस सेंसिटिव होता है, एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता। वहां पे अगर स्मॉल लेटर में DATE लिखा हुआ है तो ले लेगा? मैंने क्या बताया कि एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब केस सेंसिटिव बोले तो बड़े छोटे का फर्क नहीं रखता है। ओके, और फॉर्मेटिंग का, फॉर्मूला का भी फॉर्मेट रीड नहीं करता है। ओके ठीक, फॉर्मेट से कोई मतलब ही नहीं है उसको, एक्चुअल वैल्यू उसकी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। हाँ सर, राकेश जी आगे बढ़े। हाँ चलिए, छोटा डाउट था। अच्छा ठीक है, शायद आप उसी को कवर, ठीक है। मिलिंद जी का एक डाउट था, उसी को बात करते हैं। मिलिंद जी शुरुआत में बोला कि बी लुकअप का बाउंडेशन है, बाउंडेशन ये है कि हमारा आईडी स्टार्टिंग में ना होके अगर बीच में हुआ, अब जैसे आप देख पा रहे बीच में, तो मैं आईडी नंबर 14 का क्वांटिटी MRP अमाउंट GST टोटल मंथ निकाल सकता हूँ,
बट इसका नेम नहीं लिखा सकता वी लुकअप, क्योंकि वी लुकअप जब मैं लगाऊंगा तो वी लुकअप में मुझे मजबूरी में सिलेक्शन यहां से करना पड़ेगा, और जहां से सिलेक्शन हुआ है उससे आगे की तरफ दिखाएगा और पीछे की तरफ की वैल्यू नहीं लेगा। हम लोग इसको लोग उल्टा वी लुकअप बोलते थे कि वी लुकअप उल्टा नहीं चलता है। तो उल्टा वी लुकअप क्या होगा, तो हमने बहुत पहले इसके लिए यूज किया था मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच, राइट। तो पहले मैच फॉर्मूले में एक मिनट थोड़ा सा डेटा कम कर देता हूं मैं। हमने सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं मैच फॉर्मूले की। तो मैंने अभी भी बताया कि मैच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है। तो हमने 14 को हमने इसके अंदर लुकअप किया कि 14 का रो नंबर क्या है। तो 14 का रो नंबर 11 है, यहां से इसने काउंट करना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 11 ए 11 से इसको कोई मतलब नहीं, इसने काउंटिंग किया 11। अगर आपका डेटा इस तरह से स्टार्टिंग में है फिर भी 11 दिखा रहा है, दिखा रहा है 11 सर। तो ये जो रो नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। मतलब बेसिकली सर वो काउंट ही कर रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन, वो काउंट करता है, टेबल के अंदर कर रहा है वो। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला बोला जाता है कि तुम एरिया को सिलेक्ट करो और मुझे इसमें से बताओ कि कौन से रो और कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो हमने बोला कि रो नंबर तो 11 है और कॉलम नंबर 3 है। तो इसने क्या किया, यहां से काउंट करना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पहुंचा, राइट सर। और यहां से 1, 2, 3 और मनोज को ढूंढ के दे दिया। मतलब कि मैच और इंडेक्स को एक साथ यूज किया जाए तो हम वी लुकअप जैसा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, समझ गए? Yes. सबको समझ में आया सर? इंडेक्स वाला मतलब मैच से अलग कैसे है? मैच से अलग नहीं है, इंडेक्स फॉर्म देखिए मैच कभी डेटा लुकअप नहीं देगा, याद रखिए मैच कभी डेटा लुकअप नहीं देगा। मैच देगा कि आपका डेटा का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन क्या है रो एंड कॉलम में, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा लाने के लिए हमें इंडेक्स फॉर्मूला चाहिए। अब इंडेक्स फॉर्मूला कहता है कि मैं ये नहीं ढूंढ पाऊंगा कि कौन सा डेटा कहां पर है, हमें तुम बताओ कि हमें किस रो और किस कॉलम से डेटा उठाना है। ओके, और रो और कॉलम, रो और कॉलम आप तुम्हारा एक्सेल सीट के रो और कॉलम से नहीं है, हम मैच वाला काउंटिंग इसमें समझते हैं, हम काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 11 और 3, तो मैं यहां से 11 नीचे आऊंगा जहां से तुमने सिलेक्शन शुरू किया है A2 से, और फिर हम वहां से 3 कॉलम आगे बढ़ेंगे और जहां मुझे मिलेगा वहां का डेटा पिक कर देंगे। ओके ओके ओके, समझ गए? सर ये मैच के साथ कंबाइन करके डाला है हमने जी। ठीक ठीक ठीक, तो जब मैच फॉर्मूला इसके साथ लग जाता है, मतलब इंडेक्स फॉर्मूला लुकअप कर रहा है, और इंडेक्स फॉर्मूला का प्रॉब्लम क्या है कि ये 11 जो है ये खुद ब खुद ढूंढ के नहीं ला सकता, ये 14 के अगेंस्ट में 11 शो कर रहा है, बात समझे? तो यहां पे मैच फॉर्मूला हमने कंसिडर कर दिया कि मैच फॉर्मूला 14 के अगेंस्ट में 11 ढूंढ के लाएगा और 11 को काउंट करके इंडेक्स वैल्यू देगा, समझे? तो बिल्कुल भूल वी लुकअप की तरह हो जाएगा कि मैं नंबर डालूंगा और उसी हिसाब से वो उसके डेटा को दे देगा, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारा जो यूनिक आईडी है वो कहां है, समझ गए? क्योंकि सर ये रो और कॉलम पे वर्क कर रहा है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी जी। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि इसकी बाउंडेशन है, बाउंडेशन क्या है कि इसको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कल के डेट में आपका कॉलम बढ़ जाता है, रो बढ़ जाता है, तो इंडेक्स में आपको रो कॉलम बढ़ाना पड़ेगा ना सर, क्या?
यहां से, तो इसी एक सॉल्यूशन है ऑफसेट। ऑफसेट फॉर्मूला भी मैच यूज नहीं होता, तो मैच जैसा काम नहीं करता है। ऑफसेट फॉर्मूला इंडेक्स फॉर्मूला के बिल्कुल जैसा होता है कि उसको भी रो एंड कॉलम दीजिए, उसकी वैल्यू शो कर दे, ठीक है। बट ऑफसेट फॉर्मूला कहता है कि मुझे पूरा डेटा मत बताओ, मुझे बताओ कि तुम्हारा डेटा स्टार्ट कहां से, रेफरेंस मतलब स्टार्ट योर डेटा। हमने बोला कि डेटा हमारा A2 से स्टार्ट, फिर बोला बताओ कौन सा रो नंबर, तो हमने बोला कि रो नंबर 3, ओके कौन सा कॉलम नंबर, तो 3, इंडेक्स जैसा डाल दिया, बट ये गलत रिजल्ट देगा। एक रिजल्ट गलत दिया, उसने पुणे बता दिया, मतलब कि उसने पुणे मतलब ये रिजल्ट दे दिया, देना था नीतू पर दे दिया पुणे, कॉलम 4 दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ऑफसेट की जो काउंटिंग है, ऑफसेट बोलता है कि मैं काउंटिंग 0 से शुरू करता हूं, इंडेक्स कहता है कि मैं काउंटिंग 1 से शुरू करता हूं, मैच भी काउंटिंग 1 से शुरू करता है, बट ऑफसेट जो है काउंट किससे शुरू करता है, 0 से। अब मैं अगर 2 दूंगा, यहां पर मान लीजिए हमने 3 दिया, तो इसके लिए 4 हो गया, उसने क्या किया, 0 1 2 3 सिटी पहुंचा, समझे। इसलिए मुझे यहां पे 1 कम देना होगा और मैच के रिजल्ट को भी -1 करके देना होगा, ताकि 3 है तो 2 1 है, तो 0 1 2 तीन कॉलम काउंट कर लेगा, 3 रो काउंट कर लेगा और डेटा दे लेगा। तो ऑप्शन समझ में आया आप लोगों को? राकेश जी आपको आया? हाँ समझ में आया। नीम जी? हाँ यस, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, बट प्रिंसिपल आया समझ में। तो ऑफसेट का फायदा क्या हुआ? जी सर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा डेटा दिया नहीं, हमने स्टार्ट ऑफ द डेटा दिया। अब इसके आगे तुम जितना डेटा बढ़ाते जाओ, ऑफसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काउंट करता जाएगा उसी हिसाब से। मतलब सर इसमें ऐसा है कि जैसे हम पहले वाला यूज कर रहे थे, उसमें वो फिक्स ही लेता रो, मतलब उसमें अपडेट करते तो वो गलत ही दिखाता फिर, क्योंकि डाटा चेंज हो जाता कम्प्लीटली। इसमें यह है कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। लेकिन मैच इसमें भी चाहिए, बगैर मैच के भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ए भी डेटा को लुकअप करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं एच लुकअप की। एच लुकअप जैसे क्लेरिफिकेशन चाहिए था, हाँ बोलिए। जो हम ये वाला फॉर्मूला भी जैसे यूज कर रहे थे कंबाइंडली इंडेक्स और मैच का, ये तभी कर सकते हैं जो मिलन जी का केस डाउट था कि अगर डाटा मतलब लेफ्ट टू राइट या कहीं ऐसा है, कभी भी आप लुकअप जो है इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी सर, अब वी देखिए, वी लुकअप से बेहतर फॉर्मूला है, तो वी लुकअप यूज करो या इसको राइटिंग यूज कर लो। ओके ओके, ठीक है ना, बट वो डिफरेंट, समझ गया सर, कि अलग अलग केस में कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब तीसरा अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि मेरे पास जो आईडी है इस बार वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है सर, मेरा जो आईडी है वो हॉरिजॉन्टल है। मुझे मान लीजिए 6 नंबर रो का कोर्स चाहिए, ठीक, वी लुकअप तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एच लुकअप कर पाएगा। एच लुकअप, वी लुकअप में जैसे हमने ऐसा सिलेक्शन किया था, एच लुकअप में हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे, और जैसे वी लुकअप की जो भी लिमिटेशन थी, जो भी कंडीशन थी, सारे लिमिटेशन कंडीशन इसकी भी सेम है। यहां पर रो इंडेक्स नंबर, तो यहां पे 1 एंड 2 और कॉमा 0। आगे टैबलू बिल्कुल वीलुकअप की तरह, बट वीलुकअप के अपोजिट, बाकी सब कुछ सेम। लेकिन इसी चीज को हम लोग मैच और इंडेक्स से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैच का फॉर्मल लगाएंगे और हम इसको लुकअप करेंगे, यहां कॉमा 0, 7 नंबर कॉलम आ गया, देन इंडेक्स फॉर्मूला
इंडेक्स फॉर्मूला लगाया हमने और कॉलम नंबर हमने दिया 2, रो नंबर दिया 7, जो कि मैच का रिजल्ट है। ठीक है, आ गया। और जब ऑब्स्टेकल फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द डेटा कॉलम नंबर रो नंबर हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और कॉलम्स हो जाएंगे 7 माइनस 1। ठीक है, तो मैच इंडेक्स इससे भी यूज किया जा सकता है। लेकिन 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 अगर आप यूज कर रहे हैं 2019 तो आपके पास एक बहुत ही चमत्कारी फॉर्मूला है जिसका नाम है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फॉर्मूला सबके लिए यूज होता है, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, ऑफसेट मैच, सबके लिए इस्तेमाल होगा। इसमें आता है लुकअप वैल्यू, मुझे मान लीजिए 2 नंबर को लुकअप करना है किस कॉलम में, तो हमने बोला कि आईडी वाले कॉलम। ओके, रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए, तो हमें चाहिए नेम वाले कॉलम से। ठीक है, वैल्यू मान लीजिए नाम मिला तो क्या शो करूं, एनए शो करूं या कुछ और शो करूं, नाम मिले तो आप क्या करो, नॉट फाउंड लिखो। ठीक है, मैच मोड एग्जैक्ट, इस तरह की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है ना, आ गया नीतू। अगर मैंने यहां पे डाल दिया तो यहां पे एनए आ रहा है, यहां पे नॉट फाउंड आ रहा है, इसको आपको इफ एरर से नॉट फाउंड करना पड़ेगा, एक्स लुकअप में खुद ब खुद, समझे। और नॉट फाउंड जो है वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, वो आप पे डिपेंड करता है लिखे ना लिखे। सेम उसी तरह से अभी अभी एच लुकअप का फॉर्मूला लगाया, यहां एच लुकअप की तरह भी यूज हो सकता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू किसमें ढूंढना है, तो आईडी में ढूंढना है। ओके, किसको लुकअप करना है, तो कोर्स को लुकअप करना है। समझ गया? समझ गया। इसे मैं चेक कर रहा साइड टू साइड, एक्स लुकअप मेरे पास तो है नहीं, तो वही।